नमस्कार किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिर्ची की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपना करके उन्नत खेती हमें किस प्रकार से की जानी चाहिए। किसान भाइयों, भारत में ज़्यादातर लोग कृषि पर अपनी आजीविका पर निर्भर करते हैं और महंगाई बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उत्पादन जितनी होनी चाहिए आवश्यकता के अनुसार उतना कम है और इसलिए आज ज़रूरत है आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपना करके उन्नत खेती करते हुए भरपूर पैदावार लेने की। तो जी हाँ किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से मिर्ची की उन्नत खेती करते हुए भरपूर पैदावार ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसान किस तरह से आधुनिक विधि को अपनाए हैं, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सहायता किस प्रकार से लेकर के भरपूर पैदावार ले रहे हैं, आइए देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मिर्च उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए यहां के किसानों ने इस ओर भी अपनी जागरूकता दिखाई है। मिर्च की खेती उत्पादन की कुछ विज्ञान सम्मत विधियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कृषक करता है तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि उसे निराश होना पड़े, और फिर अगर भूमि छत्तीसगढ़ की हो तो बात और भी बनती है। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सा फल है और इस खूबसूरत फल को हमारे राज्य की धरती बहुत रास आती है। मिर्च विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत होता है। मिर्च न सिर्फ ढेरों व्यंजन का एक बहुत ही जिम्मेदार पक्ष है बल्कि इससे बनने वाले अचार की भी अच्छी मांग होती है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं होती। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा रही है। अच्छा संयोग है कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल हैं, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। छत्तीसगढ़ में अभनपुर क्षेत्र के किसानों ने राज्य के ख्यातिनाम सफल कृषक और कृषि के अच्छे जानकार भाई विमल चावड़ा जी के मार्गदर्शन में मिर्च की भरपूर पैदावार कर अन्य किसानों के लिए समृद्धि का एक और द्वार खोलने का काम किया है। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में सबसे जरूरी होता है प्रजातियों का चयन करना, और प्रजातियों का चयन बाजार की मांग के अनुसार करना चाहिए, तभी इसका उचित मूल्य मिलता है और भरपूर उत्पादन के साथ अच्छा लाभ भी मिलता है। तो आप देखेंगे कि अचार वाली मिर्च अलग होती है, तीखी मिर्च अलग होती है, लाल पाउडर के लिए मिर्च अलग होती है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं। आज मैं एक प्रगतिशील किसान नारायण भाई चावड़ा जी के खेत में आया हूँ। यहाँ हमने देखा कि कुल 132 प्रकार की प्रजातियाँ लगाई गई हैं। तो ये एक बहुत ही अनुकरणीय एक प्रदर्शन है। हमारे किसान भाई इस प्रकार का व्यवस्था में आकर और अच्छी प्रजातियों का चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छी खेती कर बाजार मांग के अनुसार अच्छा उत्पादन कर विक्रय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती यदि हम आधुनिक ढंग से कर रहे हैं तो भूमि की तैयारी और साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था भी अच्छी तरह से होने की आवश्यकता पड़ती है। जितना अच्छी तरह से हम भूमि की तैयारी करेंगे, अच्छी गहरी जुताई करके बढ़िया खाद दे करके इसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी को समान रखते हुए इसकी तैयारी करें, और मल्चिंग सीट का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्चिंग सीट के बहुत सारे फायदे हैं। साथ ही साथ यदि आप सिंचाई करते हैं तो टपक विधि को अपना करके सिंचाई करते हैं तो इससे उत्पादन ज़्यादा मिलता है क्योंकि टपक विधि के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो किसान भाइयों, भूमि की तैयारी और हम सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से मिर्ची की आधुनिक खेती में करेंगे, आइए देखते हैं। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की भी अति आवश्यकता है। मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय
भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। अभनपुर क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए सिंचाई की टपक पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया है, साथ ही मल्चिंग शीट का उपयोग कर जल और उर्वरकों का किफायत के साथ वे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे उत्पादकता तो बढ़ ही रही है, साथ ही लागत में भी काफी कमी आ रही है। मिर्च की अच्छी व्यवसायिक खेती के लिए ऊंची उत्तम जल निकास की भूमि आवश्यक है। हल्की दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ऐसी भूमि नहीं है, वो भी मिर्च की सफलतम खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है और थोड़ा व्यवस्था परिवर्तन की भी आवश्यकता है। जैसे जिन किसान भाइयों की खेत निचली जमीन है, जिसमें बरसात में पानी भरता है, उनको ऊंची बीज सहाया, खासकर 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा बीज सहाया बनाना चाहिए। और ये बीज सहाया अस्थाई भी बना सकते हैं, मतलब क्यारी, अस्थाई ऊंची क्यारी बनाकर रखें। ड्रिप और मल्चिंग, इन दो के माध्यम से ऊंची क्यारी बनाकर आप किसी भी प्रकार की जमीन में उत्तम जल निकास की व्यवस्था बना सकते हैं और साल भर इसमें खेती भी कर सकते हैं। बरसात में ऊंची क्यारी बनाने से जल भराव की समस्या से निजात मिल जाती है। अधिक पानी से सब्जी फसलें, खासकर मिर्च की फसल को बहुत नुकसान होता है, तो ऊंची क्यारियों पर इसकी खेती करें, साथ में मल्च जरूर बिछाएं और टपक सिंचाई पद्धति अपनाएं, जिससे उर्वरक का भी प्रबंधन आसान हो जाएगा। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। यदि हम अच्छी खाद को सही समय और सही मात्रा में देंगे तो इससे फसल में बढ़वार अच्छा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। किसान भाइयों, यदि आप जैविक खाद का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे तो इससे ज़रूर पैदावार ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती में हम कौन कौन से खाद को कब कब और कितनी मात्रा में देंगे, आइए देखते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नत्रजन को 35 से 40 दिनों के बाद में दे देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नत्रजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। पाया गया है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के कई जागरूक किसान निर्धारित मात्रा में खाद का उपयोग भी कर रहे हैं और बहुतायत में मिर्च का उत्पादन करने में वे सफल भी हो रहे हैं। सब्जी मंडी को मिर्च का इंतजार हमेशा से ही रहा है, चाहे उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो, उसके बिकवाही पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिर्च की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है थरहा की तैयारी। अगर थरहा मतलब पौध की तैयारी, बीजोपचार करने के बाद एक सुरक्षित संरक्षित वातावरण में थरहा तैयार करना इसके आवश्यक है, अन्यथा पौध में ही शुरू से ही खासकर वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप हो जाता है और फिर उन पौध को लगाने के समय बीमारी प्रकट होती है और उत्पादन कम मिलता है और किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक तो ये व्यवस्था रखनी है कि छोटा नेट हाउस रहे या मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिसमें छोटे छोटे रस कीट चूसने वाले कीट न घुस सकें, एक तो ये व्यवस्था करनी है। दूसरा, नर्सरी स्वस्थ तैयार करें,
25 से 30 दिन का स्वस्थ पौध तैयार को ऊंची तैयार जो क्यारियां होती हैं उनमें इनकी रोपाई करें, साथ में ड्रिप लगाएं और रोपाई के समय आधार, खाद और उर्वरक, ये जो अनुशंसित मात्रा होती है मिर्च की, उसका जरूर प्रयोग करें। और जब आधार खाद देने के बाद मल्च बिछा लें, तब इनमें उचित दूरी पर मिर्च की अगर ऊंची बीज सया बनाकर खेती करना है तो करीब 1 मीटर लाइन से लाइन और 1 मीटर ही पौधे से पौधे की दूरी रखें। इसके साथ साथ पौधे की बढ़वार इसमें काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऊंची बीज सया रहती है, ऊंची क्यारी रहती है, ड्रिप के माध्यम से हम उर्वरक देते हैं तो पौधे की बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको संभालने के लिए साथ में बांस और प्लास्टिक की रस्सियों का सहारा देते हैं, जिससे जिसमें पौधे को सुतली से बांध दिया जाता है। इससे कई फायदे हैं कि तेज हवा में पौधा टूटकर गिरता नहीं है, और जब फल लद जाते हैं तो भी पौधों की डालियां टूटती नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा तकनीकी व्यवस्था कर लेंगे तो भरपूर उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ बीच बीच में आपको देखना है कि अगर रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप हो रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव जरूर करें। पत्तियों पर अगर धब्बे दिखाई दे रहे हो, भूरे रंग के धब्बे, तो मेनकोजेब करीब 2 ग्राम और बॉबिस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर, या कार्बेंडाजिम के नाम से जाना जाता है बॉबिस्टीन को, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ शुरू में ही अगर हम ट्राइकोडर्मा वेरडे 5 ग्राम 1 किलो गोबर की खाद में मिलाकर रुपाई के समय ही दें, अगर जहाँ जहाँ पौधा हम लगा रहे हैं, तो भूमि जनित बीमारियों से भी सुरक्षा होती है पौधे की और भरपूर उत्पादन भी मिलता है। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, जिनका समय रहते रोकथाम यदि नहीं किया जाए तो फसल चौपट हो सकता है। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, कीट प्रकोप कौन कौन सा हो इसको ज़्यादा क्षति पहुँचाती है और इसका रोकथाम हम किस प्रकार से करेंगे, आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। अपने मिर्च की फसल को कीट और रोगों से बचाए रखना तो बेहद ज़रूरी होता है। अगर सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग को हमारे किसान बंधु इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने ही रह जाते हैं। मिर्च का पौधा पौधा न होकर झाड़ी नुमा हो जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधों में फूल बहुत ही कम निकलते हैं और फलों की संख्या और आकार में बेहद कमी आ जाती है। साथ ही फलों में एक विकृति सी आ जाती है, जिसके कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी, जो बिमिसिया टिबेकाई कहलाती है, के द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियन 50 EC या इंडोसल्फान 35 EC दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते हैं और ऐसा 5 से 6 दफा किया जाता है। इस तरह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर हमारे किसान भाई इस रोग का प्रसार और संचरण करने वाली मक्खियों से छुटकारा पा लेते हैं, या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी इस रोग के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है।
मिर्च फसल के दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेक्नोस या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35 प्रतिशत तक उपज प्रभावित होती है। इस रोग को पहचानना इस तरह से जा सकता है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगता है और सूखे हुए भाग से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीर्षरंभी भी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग होता है। इसके प्रबंधन के लिए पौधों पर 0.3% ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा जैसे फाइटोलान या ब्लिटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का 12 से 15 दिनों के अंतराल में कम से कम 3 बार छिड़काव करना चाहिए या फिर रोग रोधी किस्में ही लगानी चाहिए। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधे को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ते हैं। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में बहुत जरूरी है क्योंकि ये फसल थोड़ा लंबे समय तक चलती है। बरसात की फसल रबी तक जाती है, रबी में जो लगाते हैं वो गर्मी तक जाती है। तो इस प्रकार का चक्र बनाकर हम साल भर उत्पादन ले सकते हैं मिर्च का और बाजार में पूर्ति कर सकते हैं मांग की। अब आप इसमें देखेंगे कि जो जो परेशानियां हैं उसको शुरू से ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो सबसे बड़ी परेशानी तो हमने बताया कि जल भराव की नहीं होनी चाहिए, तो ऊंची क्यारी। खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्च बिछाएं, मल्च भी ऐसी कि एक तरफ से सिल्वर और दूसरी तरफ से काले रंग की होनी चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो हमारे मिर्च की फसल को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं और विषाणुजनित बीमारियों को प्रवाहित करते हैं। तो ये जो मल्च होती है ये एक तरह का ऐसा वातावरण निर्मित करती है कि रस चूसने वाले कीट दूर भागते हैं, तो जिससे फसल सुरक्षित रहती है। इसके साथ साथ येलो ट्रैप या पीला प्रपंच, इसमें पीले रंग की थैलियाँ जगह जगह फसल के बीच में बांध दी जाती हैं जिसमें एक प्रकार का चिपकने वाला पदार्थ लगा रहता है और ये रस चूसने वाले कीट उसमें चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से भी बिना कीटनाशी छिड़के हम कीट का नियंत्रण कर सकते हैं, खासकर रस चूसने वाले कीड़ों का। इसके साथ साथ जहां मिर्च की फसल आप लगाते हैं, बॉर्डर रो के रूप में गेंदे की फसल, अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं जो बड़ा वाला पीला गेंदा होता है, इसकी फसल की एक लाइन जरूर लगाएं। ये कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। एक तो फूल का उत्पादन होता है जिससे आय मिलती है, अतिरिक्त आय। इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो इनको गेंदे की फसल आकर्षित करती है। तो सारे कीट जो मिर्च पे लगने वाले रस चूसने वाले कीट होते हैं वो गेंदे की फसल पे पहुंच जाते हैं और फिर उसमें हम रासायनिक कीटनाशी का छिड़काव करके उनका नियंत्रण कर देते हैं। तो इस तरह से उपाय अपनाकर रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करके भरपूर उत्पादन इस फसल से लिया जा सकता है। मिर्च के बिना भारतीय व्यंजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय भोजन में मिर्च ऐसा स्थान रखता है और यही वजह है कि मिर्च की मांग बाजार में कभी भी कम नहीं होती। मिर्च की खेती के लिए हमारे राज्य की भूमि और वातावरण दोनों ही अनुकूल है। जिन किसानों ने मिर्च की महत्ता को समझकर इसकी खेती के लिए अपने आप को और अपने खेतों को तैयार कर लिया है, आज भी समृद्ध हैं। अभनपुर क्षेत्र के किसानों से देश भर के मिर्च उत्पादक किसान प्रेरणा ले सकते हैं और उपजा सकते हैं भरपूर मिर्च। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में मिर्च की खेती एक बहुत ही महत्व रखती है
और आप देखेंगे कि साल भर इसका प्रयोग खाने में किया जाता है विभिन्न रूप से, और इसमें आज वर्तमान समय में इतनी ज़्यादा प्रजातियां विकसित की गई हैं विभिन्न प्रकार के लिए। लाल मिर्च के लिए अलग प्रजाति, कम तीखी मिर्च, हरी मिर्च, पकोड़े के लिए बनाने के लिए मिर्च, अचार बनाने के लिए मिर्च, तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां खासकर शासकीय संस्थानों, कृषि संस्थानों और जो प्राइवेट बीज कंपनियां हैं उनके द्वारा भी प्रदाय कराई जा रही हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जब आप मिर्च की खेती शुरू करें तो सबसे ज़रूरी है कि प्रजाति का चयन करें कि आपको किस प्रकार की प्रजाति का उत्पादन लेना है। तीखी मिर्च का लेना है कि कम तीखी का लेना है कि बिल्कुल फीकी लेना है कि अचार के लिए लेना है कि पकौड़े के लिए लेना है कि लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए लेना है, तो इस प्रकार पहले ज़रूरत हो गई प्रजातियों का चयन। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपना करके मिर्ची की उन्नत खेती कर रहे हैं और भरपूर पैदावार ले रहे हैं। यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए मिर्ची की आधुनिक खेती करके भरपूर पैदावार लेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।